हेलो हेलो, यस सर, गुड आवाज मॉर्निंग जा रही? सर। गुड मॉर्निंग, आवाज जा रही बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को, आवाज जा रही बेटा यस सर। सबको? ठीक। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका कॉमन नेम होता है वाशिंग सोडा और अदर नेम इसको लिख सकते हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहां पर बेटा माइक ऑफ कर लो बेटा। हेलो संदेश, आदित्य सिंह यस माइक आप कर लो बेटा। यहाँ देखो बेटा, इसका कॉमन नेम वाशिंग सोडा होता है, अदर नेम इसका जानना चाहो तो गांव की भाषा में इसको रेह बोलते हैं। जो बंजर भूमि होती है, बैरन लैंड होता है, वहां पर व्हाइट कलर की लेयर जो है, देखे होंगे गर्मी के समय में, समर सीजन में पड़ जाती है, और वही आपका सोडियम नेचुरल जो है सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा होता है, उसको गांव की भाषा में रेह या कहीं कहीं पर सज्जी मिट्टी बोलते हैं। ठीक ना? फिलहाल कॉमन नेम इसका सोडियम वाशिंग सोडा या रेह या सज्जी मिट्टी बोलते हैं, और इसका IUPAC में नाम या एक्चुअल नेम सोडियम कार्बोनेट डेका मीन्स होता है 10, हाइड्रेट लगा है वाटर मॉलिक्यूल के लिए। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑक्सिलाइन के रूप में होते हैं। ये क्या होता है आगे आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वाशिंग सोडा या रे होता है, और इसको प्रिपरेशन इसका कैसे करोगे? तो इसके प्रिपरेशन के लिए गुड नेम जान लो, केवल हायर क्लास में आप मॉर्निंग पढ़ोगे सर। इसमें। सुबह आशीष सिंह, बैठा आशीष ए चला सिंह, चाय मतलब। आशीष अच्छा ठीक ठीक देख लो क्या करत है। एक तो यहां पर क्या होगा बेटा कि इसका प्रिपरेशन एक टेक्निक होता है, केवल नाम जानते रहो, आगे आप पढ़ोगे। साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस द्वारा किया जाता है। ये प्रोसेस का नाम है साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। इसमें किया कैसे बनाते हैं, तो करते क्या है कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, याद होगा इसको ब्राइन बोलते हैं, और इस ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम कार्बन डाई ऑक्साइड पास कराते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में, तो ये हमें दे देता है सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलता है, इसको हम सोडियम का बाइकार्बोनेट के प्रिपरेशन के लिए भी रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। ये भी प्रोसेस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का। यही तक केवल इसको ड्राई कर लो, आसानी से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। अगर हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो क्या करते हैं कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट को बेटा हीट करेंगे। हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेंड होता है, और इस सोडियम कार्बोनेट का जब वाटर के साथ हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जब क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल ऑब्टेंड होते हैं, और इसी को वाशिंग सोडा बोलते हैं। वंस अगेन कैसे बनाएंगे, इसमें करते क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है ब्राइन, इसमें अमोनिया के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेंड होता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेंड होगा, और सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलाइजेशन करोगे यानी वाटर में डिजॉल्व करके क्रिस्टलाइज करोगे, तो देन यू विल गेट
sodium carbonate decahydrate crystal, and this one is called as washing soda. This is your washing soda, and this is the way by which we prepare the washing soda. Clear? ये वॉशिंग सोडा बोलो वॉशिंग सोडा एक बार और बता दीजिए वॉइस लैग हो रहा है वॉशिंग सोडा वीडियो भी वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है अदर इसका नेम कॉमन में रुक गया अदर इसका नेम जो है रेह या सब्जी मिट्टी कहलाता वेट कर लो नेटवर्क हो सकता है डिस्टर्ब हो अब ठीक हुआ ठीक अब ठीक हुआ बेटा वीडियो यस सर नाउ सी तो इसका प्रिपरेशन बेटा एक मेथड होता है आप 11 में पढ़ोगे आगे आओगे केवल नाम जान लो साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस द्वारा इसको बनाते हैं ये मेथड का नाम होता है साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस वीडियो नहीं आ रहा है सबको वीडियो नहीं आ रहा है बेटा हेलो सर अब आ गया यस सर ब्लर आ रहा है अब देखो सोडियम क्लोराइड का देखो सर ब्लर आ रहा है आपका नेटवर्क खराब होगा बेटा केवल किसी एक का है तो नेटवर्क खराब होगा सर की आवाज देखो इस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको ब्राइन कहते हैं इसमें थोड़ा सा अमोनिया मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेंड होता है माइक ऑफ कर लो कई लोगों का माइक ऑन है माइक ऑफ करो तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेंड होता है इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर कल भी पढ़े थे सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेंड होता है और इस सोडियम कार्बोनेट का वाटर मिला के जब क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो देन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्रिस्टल ऑब्टेंड होता है और इसे ही हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है प्रॉपर्टी में बेटा ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वाटर में सॉल्युबल होता है और इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है एक वाटर में ये व्हाइट कलर का होगा दूसरा वाटर में सॉल्युबल होता है तीसरा इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है और ये जो है इसके यूज की बात करें तो इसका यूज जो है सोप बनाने में पेपर इंडस्ट्री में ग्लास बनाने में यानी कांच बनाने में इसका यूज किया जाता है इसके अलावा वाटर से हार्डनेस रिमूव करने में किया जाता है हार्डनेस के बारे में आप पढ़ोगे अगले क्लास में वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका यूज किया जाता है 11th पढ़ोगे जो हार्ड वाटर होता है उसमें हार्डनिंग जो मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने में इसका यूज करते हैं प्लस सोडियम के अदर कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट अदर साल्ट को बनाने में यूज किया जाता है और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कंपाउंड जो बनाया जाता है वो आपका है बोरैक्स बोरैक्स जो है Na2B4O7 10H2O सोडियम का एक कंपाउंड होता है बोरैक्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसको भी इसी सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बनाया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का यूज बेटा एक ग्लास बनाने में दूसरा सोप और डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में तीसरा पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं चौथा वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में किया जाता है पांचवा बोरैक्स बनाने में छठवां सोडियम कार्बोनेट का यूज जो होता है सर सोडियम के साल्ट बनाने में जैसे सोडियम क्लोराइड है सोडियम सल्फेट है सोडियम नाइट्रेट है इन सबको बनाने में किया जाता है हार्डनेस हाँ बोलो क्या कह रहे थे अब बोलो सर वाटर की हार्डनेस सर वाटर की हार्डनेस का मतलब यह है कि वाटर जो है वो दो प्रकार का होता है एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर उसको कहते हैं जिस वाटर में कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट आदि के साल्ट प्रेजेंट होते हैं वो हार्ड वाटर कहलाता है और इन साल्ट को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है
इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये हार्डनेस को रिमूव करने में यूज किया जाता है। सर जो सी वाटर होता है वही क्या? सृष्टि गुप्ता हेलो अननेसेसरी बेटा माइक मत ऑन करो नहीं तो फिर रिमूव कर देंगे सीधा सा, या तो जब पूछना हो तभी ऑन करो, अननेसेसरी घर से आवाज आएगी जिसका भी माइक मुझे दिखेगा सीधा बाहर करेंगे। उचियाले है यस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि इस तरह से ये वॉशिंग सोडा होता है, इसका यूज होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन आर क्रिस्टलाइन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोरेक्स का फॉर्मूला, रिपीट कर। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। ये बोरेक्स कहलाता है, ठीक। बोरेक्स का फॉर्मूला होगा बेटा Na2B4O7 10H2O। सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नाम होता है, सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, कॉमन नेम बोरेक्स होता है। लिख दीजिए सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। तो डेकाहाइड्रेट यहां पहले भी लिखे हो, केवल सोडियम टेट्राबोरेट लिखना है, और कॉमन नेम इसका बोरेक्स होता है, देसी भाषा में सुहागा बोलते हैं इसको, ठीक। एक हिंदी में कहावत सुनोगे सोने पे सुहागा, तो सोना जो होता है उसकी चमक वगैरह को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ना। अंदर यूज बहुत सारे इसके हैं, बाद में बात करेंगे। ग्लास वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन आर क्रिस्टलाइन वाटर। नेक्स्ट है सर बोरेक्स का यूज कहाँ किया जाता है? बोरेक्स का यूज बेटा ग्लास बनाने में करते हैं, ड्रग्स या मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है जो गोल्ड होता है उसकी गुणवत्ता या कह सकते हो कि प्रॉपर्टी या उसकी साइनिंग को बढ़ाने वगैरह में भी इसका यूज करते हैं बोरेक्स का, है ना। इसके अलावा बोरेक्स का एक टेस्ट होता है, तो आगे वो चीजें पढ़ोगे। टेस्ट का मतलब होता है कि जो साल्ट होते हैं उनके टेस्ट में भी इसका यूज होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट उसको बोलते हैं। आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे धीरे धीरे, ठीक ना। सर जो कल आप बताए थे ना, क्या बोलो, तो कैसे जो ब्रेड होता है वो पोर्स हो जाता है? ब्रेड में बताया था ना कि सोडियम बाय जब हीट करोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण से ही क्या होगा, जब वो गैस निकलना चाहेगी तो इसके कारण से ब्रेड वगैरह से क्या होगा, जब गैस निकलेगी तो वो पोरस होता आता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, और इस तरह से जो है वो पोरस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। गैस अरे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना उसमें से, और वो गैस किसी ना किसी मीडियम से बाहर निकलेगी, और वही गैस निकलते वक्त क्या करती है कि उस ब्रेड को या जो बेकरी प्रोडक्ट है उसको पोरस बना देती है, यानी उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, उसी पोर के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। पोर्स माने छिद्र होता है, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, या ब्रेड वगैरह देखे होगे तो उसमें छोटा छोटा छेद होता है, ब्रेड या डबल रोटी देसी भाषा में कहते हैं, है ना, पाव रोटी कहीं कहीं वर्ड यूज करते हैं, ये चीज होती है। नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन आर क्रिस्टलाइन वाटर। तो अभी देखोगे बेटा वॉशिंग सोडा जो मैंने लिखा तो उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल हमने लिख दिया, या बोरेक्स हमने एग्जांपल दिया तो उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। तो द वाटर मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट विद द क्रिस्टल आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन आर क्रिस्टलाइन वाटर। किसी साल्ट के साथ, किसी कंपाउंड के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। ओके, द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स विद द साल्ट
आर नोन एज वाटर आर क्रिस्टलाइन आर क्रिस्टलाइन वाटर. फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल होंगे. इसी तरह से सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, देखो ये वॉशिंग सोडा होता है और ये कहलाता है ग्लबर साल्ट. सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट ग्लबर, ग्लबर साल्ट. ग्लबर साइंटिस्ट का नाम है, ग्लबर जो है साइंटिस्ट का नाम है. जनरल आईपीएससी नेम इसका होगा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट. ग्लबर साइंटिस्ट का नाम है क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था या इसको पहले प्रिपेयर किया था, तो उनके नाम पर या उनके आनर में इसका नाम ग्लबर साल्ट होता है. आईपीएससी में नेम साइंटिफिक नेम कह सकते हो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होगा. नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका नाम ब्लू विट्रियोल होता है. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या ब्लू विट्रियोल होता है. बोलो क्या कह रहे हो? यस ग्लबर साल्ट का यूज क्या होता है? बोल दीजिए, लिख लें. अरे यूज छोड़ो यार, जितना पढ़ोगे यूज तो हम जितना बताते रहे जितना यूज में पता लगा, जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाओगे. यूज आप पढ़ोगे आगे क्लास में आते जाओगे, है ना. सोडियम का साल्ट है तो निश्चित रूप से सोडियम के अदर साल्ट को बनाने में होगा. इसके अलावा ग्लबर साल्ट का यूज जो होता है साल्ट केक वगैरह बनाने में होता है, जो सोप वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक ना. तो बहुत सारे यूज होते हैं, पढ़ोगे अभी मत परेशान हो. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू विट्रियोल कहलाता है. इसी तरह से तुम्हें एक चैप्टर एक कंपाउंड पढ़ना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ये जिप प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको अभी पढ़ाते भी है, पढ़ोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा. इसी तरह से जिप्सम इसी में आएगा CaSO4 2H2O, जिप्सम होता है. ये सभी ऐसे हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो किसी साल्ट के साथ या किसी कंपाउंड के साथ प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टल वाले जल या क्रिस्टल वाले वाटर बोलते हैं. क्लियर? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन किसको कहोगे? द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स विद द साल्ट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन आर क्रिस्टलाइन वाटर. यानी किसी साल्ट के साथ, किसी क्रिस्टल के साथ, किसी कंपाउंड के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं. ओके तो इस तरह से ये सभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है. यस बोलो सर, वो सेकंड वाला कौन सा फॉर्मूला है? हम लोग राइट कर लें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन. चिंता मत करो, सब नोट्स में आएगा. अभी समझते रहो, जो तुम्हारी इच्छा हो लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं. नोट्स में इन सबको मैं भेजूंगा आपको, है ना. फिर भी अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो हाँ बेटा बोलो, सेकंड वाला किसका फॉर्मूला है? ग्लबर साल्ट, GLABER, ग्लबर साल्ट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट. ग्लबर साल्ट ग्लबर साइंटिस्ट का नाम है, ग्लबर साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर बना है. और इसका आईपीएससी नेम या साइंटिफिक नेम जो है या केमिस्ट्री का नेम, इसका एक्चुअल नेम होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट. एक कंपाउंड आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन के रूप में दिया है और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर. ओके योर नेक्स्ट टॉपिक. अरे कोई बात नहीं, नोट्स में जाएगा लिख लेना. नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस या इसी को बोलते हैं पेरिस प्लास्टर. प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कॉमन नेम होता है. फार्मूला होगा CaSO4 1/2 H2O, या इसका एक्चुअल नेम होना, एक्चुअल फार्मूला होना चाहिए CaSO4 2H2O. प्रॉपर नेम रूम पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 2H2O,
या CaSO4 हाफ H2O, इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट और हेमी, हेमी माने होता है आधा, हेमी हाइड्रेट, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी माने होता है आधा, तो एक कैल्शियम सल्फेट पर क्या है, आधा वाटर मॉलिक्यूल है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको हेमी हाइड्रेट या पूरा नाम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं। क्लियर? इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, तो उसके पहले जान लो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। पहले ये पेरिस से आता था, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पहले इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता था, ये पेरिस से आता था, इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल गया, और प्लास्टर के काम में आता था। प्लास्टर बने देखोगे कि जब बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाती है या हड्डियां वगैरह कहीं टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, तो डॉक्टर जो ऊपर एक चढ़ाते हैं, नहीं देखो कपड़े से बांध करके और उसके ऊपर इसको व्हाइट कलर के लगा के, तो प्लास्टर करने के काम आता था, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ओके, यानी पेरिस वाला प्लास्टर कैसे बनाते हैं, तो बनाने के लिए करेंगे क्या बेटा, जब जिप्सम को CaSO4 2 H2O, जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो देन CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O ऑब्टेंड होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP बोलते हैं। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कैसे होगा, आदित्य सिंह माइक आप करो सर, बोलो इसमें सर, बोलो वो POP क्या है। POP मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, POP मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां पर क्या होगा बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दैट इज जिप्सम, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हीट करते हैं, तो देन इसमें से वन एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमें कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मिलता है, जिसे जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि टेम्परेचर अधिक नहीं होना चाहिए, अगर टेम्परेचर इससे अधिक होगा तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल जो यानी जो आधा वाटर मॉलिक्यूल बचा है ये भी रिमूव हो जाएगा, और अगर ये आधा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो केवल कैल्शियम सल्फेट बचेगा, और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो जाएगी, यानी हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेंड नहीं होगा। ओके, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है, अदरवाइज जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी रिमूव हो जाएगा और हमें केवल कैल्शियम सल्फेट मिलता है, यानी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और तो इसमें क्या होगा बेटा कि इस ये भी इसी प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो वाटर मिलाने पर बेटा अगेन जो है जिप्सम में चेंज हो जाता है और ये हार्ड बन जाता है, ठीक ना। जब इसमें वाटर ऐड करोगे अगेन ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा और हार्ड हो जाता है, जम जाता है, सेटिंग हो जाती है, जैसे CaSO4 हाफ H2O, ये आपका POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें जब वाटर ऐड करोगे
तो अगेन ये चेंज हो जाएगा फिर जिप्सम में CaSO4 2H2O, और जब जिप्सम में चेंज होगा तो ये वेरी हार्ड रूप में चेंज हो जाता है। और यही चीज होता है जब प्लास्टर करता है डॉक्टर, या डॉक्टर लोग प्लास्टर करते हैं तो जब उसको पट्टी को लपेटते हैं बैंडेज को और उसके ऊपर इस चूर्ण को यानी इस पाउडर को प्लास्टर या फिर इसको डाल करके पानी लगाते हैं तो वो जम करके हार्ड हो जाता है। और हार्ड क्यों होता है? क्योंकि अगेन वो जिप्सम में चेंज हो जाता है। और इस तरह से जो है जब वाटर में जो है प्लास्टर आप पेरिस में वाटर मिलाओगे तो ये अगेन जिप्सम में चेंज हो जाएगा और हार्ड रूप चेंज हो जाता है, यानी हार्ड जो है ये हो जाता है, ठीक ना। ये जो है प्लास्टर आप पेरिस में वाटर मिलाने का है। अब आगे अगर इसके यूज की बात किया जाए तो प्लास्टर आप पेरिस का यूज फर्स्ट तो यही चीज है इन द प्लास्टरिंग दैट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ बोन्स, जो हड्डियां टूटी होती हैं उनको ठीक करने में या उनको सीधा करने में सही करने में इसका यूज किया जाता है। यानी कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ बोन्स यानी इन द प्लास्टरिंग कह सकते हो। सीमेंट प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है, प्लस माउल्ड्स बनाने में, माउल्ड्स बने होता है सांचा, ठीक ना, सांचे बनाने में, स्टैचू जो होता है स्टैचू वगैरह बनाने में होता है, स्टैचू समझते हो ना। तो इसके अलावा सरफेस को स्मूथ करने में, अगर प्लास्टरिंग करने से क्या होता है कि सरफेस स्मूथ हो जाता है, सॉफ्टर हो जाता है, तो सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका यूज किया जाता है। बारिश हो रहा है तो यहां पर क्या होगा बेटा कि इस तरह से जो है ये इसका यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका यूज एक ब्रेकेज ऑफ बोन्स के ट्रीटमेंट में करते हैं यानी प्लास्टरिंग में करते हैं, इसके अलावा मॉल्ड्स बनाने में यानी सांचे बनाने में, प्लस इसका यूज जो है जो स्टैचूज होते हैं बनाने में किया जाता है, सरफेस को स्मूथ बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये सब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, ओके। और ये चैप्टर आपका जो है इसमें फिनिश होता है। और इसमें से अब आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। सर क्रिस्टल वाला बताओ, क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन जानना चाहते हो कि क्रिस्टल किसको कहते हैं? दोनों चीजें अलग होती हैं। हाँ सर दोनों चीज बताइए, क्योंकि आवाज ही नहीं आ रहा था। आवाज तो तुम्हारे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स विद द क्रिस्टल या प्रेजेंट विद द साल्ट, किसी साल्ट के साथ, किसी क्रिस्टल के साथ, किसी कंपाउंड के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कहा जाता है, ठीक ना। किसी साल्ट या किसी कंपाउंड के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कहते हैं। जैसे जिप्सम के साथ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के साथ था, वाशिंग सोडा जिसको बोलते हो, ये सभी क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक। ठीक सर, और कोई दिक्कत? क्रिस्टल क्या होता है सर? क्रिस्टल मीन्स होता है कि जब सॉलिड पढ़ोगे आप, 12 में जाओगे हायर क्लास में पढ़ोगे, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और ऑल द एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल जितने भी आप पढ़े हो सभी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी उनके जो पार्टिकल होते हैं उनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, सेम रहता है हर जगह पे, ठीक ना। पढ़े हो ना कि एलिमेंट या कंपाउंड किसको बोलते हो? जिसका कॉम्पोजिशन फिक्स होता हो, डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता हो। तो जितने भी डेफिनेट कॉम्पोजिशन वाले हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल होता है वो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में जिनमें इररेगुलर अरेंजमेंट हो, जैसे प्लास्टिक है, रबर होता है, ग्लास होता है, ये सभी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल हैं, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इसीलिए इनको हम क्रिस्टल
वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, ठीक ना? सर बोलो सर, तो बताने थे कि इमरजेंट फॉर्मूला यूनिट ऑफ, फिर से आवाज नहीं आ रही थी बेटा, क्लियर फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही सर। बोलो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, आप बताए थे ना? देन तो जब मैं, और एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन इट डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस, सर वाई? ये आप मेटल और नॉन मेटल में पढ़ोगे, बट आप जान लो, बिकॉज HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके? HNO3 फॉर्म्स या प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन व्हिच ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू द वाटर, दैट्स व्हाई विद HNO3 मोस्ट ऑफ द मेटल आर अनेबल टू गिव हाइड्रोजन गैस। हाउएवर यू शुड नो मैग्नीज एंड मैग्नीशियम with very dilute nitric acid, that is around 2-5% nitric acid जो होता है dilute, उससे वो hydrogen देते हैं, लेकिन और सभी नहीं दे पाते, ठीक ना? जैसे आपको दिखा दें, क्या है? देखो, magnesium, बोलो, सर वीडियो कॉल हो गया। कोई बात नहीं, वेट कर लो। सर वो भी तो एक एसिड ही है, फिर ऐसे क्यों होता है? अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे क्लास में किस सेक्शन में थी? बोलो, 8 में थी, 9th में किस सेक्शन में थी? बोलो। G3 में। और G3 में सभी लड़कियों का हाईएस्ट किसका लड़की का मार्क था बोलो, या हाईएस्ट कितने परसेंट था बोलो, मालूम है? हाईएस्ट सर हाईएस्ट 86 था। अच्छा हाई 86 था, क्या सभी लड़कियों का 86 था? बोलो नहीं था। नो सर, जबकि एक ही स्कूल में पढ़ती हो, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं कि उस लड़की को जिसका 86 रहा हो उसको ज्यादा मन से पढ़ाते हो और आपको कम मन से पढ़ाते हो, या सभी अदर लड़कियों को, मतलब क्या हुआ कि लड़कियां तो सभी थी, क्लास भी वही था, सबका नंबर तो बराबर आया, नहीं है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि उसी प्रकार से एसिड सभी हैं बेटा, लेकिन एसिड में पढ़े हो ना, कोई वीक होता है, कोई स्ट्रांग होता है, ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर पढ़े हैं। जो वीक होगा, जो वीक होगा, जो स्ट्रांग होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, जो रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, इन सब का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, इसके कारण से उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है बेटा, ठीक ना? तो HNO3 स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसके कारण से HNO3 जो है, वीडियो पॉज हो रहा है, चलो नेटवर्क नहीं होगा, आ जाएगा तो, वीडियो की आवश्यकता नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है ना? यस सर। देखो तो HNO3 वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कह सकते हो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके कारण से ये जो हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन उस हाइड्रोजन को ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है या प्रोड्यूस करता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर में चेंज हो जाती है, और हमें हाइड्रोजन ना मिलकर के क्या मिलता है, वाटर ऑब्टेंड हो जाता है, ठीक ना? इसी कारण से नहीं देते, फिर भी मैग्नीज और मैग्नीशियम ये 2-5% यानी 2-5% अगर नाइट्रिक एसिड है उसमें से, किसके यहाँ से है? स्नेहा गुप्ता, आवाज नहीं आ रहा। स्नेहा गुप्ता माइक आप करो, स्नेहा गुप्ता। तो यहां से क्या होगा बेटा कि मैग्नीज या मैग्नीशियम ये अगर 2-5% अगर नाइट्रिक एसिड है, ठीक ना, उससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन को देते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे मैग्नीज नाइट्रेट बनाएगा या मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन ये केवल तभी होगा जब 2-5% नाइट्रिक एसिड हो, अगर इसका परसेंटेज नाइट्रिक एसिड का बढ़ गया तब ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, और 2-5% का मतलब हुआ कि अगर 5% भी मान लें तो 5% नाइट्रिक एसिड होगा
और 95% इसमें वाटर होगा, इतना डाइल्यूट यानी वेरी वेरी डाइल्यूट कह सकते हो, ठीक ना। अदर मेटल इसमें से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। वीडियो नहीं आ रहा क्या बेटा? और किसी को दिक्कत? सर समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में जब अपने लेवल से देखो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े पढ़े सर। उसी तरह से HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण से वो हाइड्रोजन जो बनती है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देता है। सर आपका वीडियो पॉज हो गया, जिसके कारण से हाइड्रोजन ऑब्टेंड नहीं होती। बीच बीच में आवाज भी तो नहीं वो आपके यहाँ नेटवर्क आवाज रुक जा रही है। अब यहाँ तो बड़ा नेटवर्क ठीक है, यहाँ तो नहीं दिखा रहा है कि नेटवर्क कहीं से प्रॉब्लम है। आपके यहाँ आप ठीक है सर। तो वहाँ पर बेटा देखो, जब अपने लेवल से ऊपर पूछोगी क्वेश्चन, उसके लेवल से ऊपर से बताएंगे तो बट नेचुरल है कि अगर नहीं सर वीडियो पॉज हो गया यार, ये तो रुक ही जा रहा है नेटवर्क, कुछ दिक्कत होगा बेटा। और यहाँ तो ठीक है नेटवर्क, आप लोग यहाँ नहीं डिस्टर्ब है क्योंकि यहाँ अनस्टेबल नहीं दिखा रहा है नेटवर्क। यहाँ खराब होता है बेटा तो दिखा देता है नेटवर्क अनस्टेबल है। अब ठीक है अभी समय बोलो मतलब है कि अगर एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल है तो इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्लू विट्रियोल कहलाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके क्या बोला जाता है? ब्लू विट्रियोल। ओके सर। ब्लू विट्रियोल कहते हैं और इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक सर। विट्रियोल मतलब? विट्रियोल मींस होता है थोथा, ठीक, नीला थोथा। इसका देसी भाषा में नीला थोथा, या वैद्यकी की दुकान पे जाओगे तो इसको तूतिया गंधक बोलते हैं, वैद्यकी की दवा में इसका यूज किया जाता है। इस तरह ये पॉइजनस भी होता है, पॉइजन वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं, है ना। ब्लू विट्रियोल याद होगा गम, एक चीज और आपको बता दे, जो गम होती है, गम समझते हो, गोंद जिसको बोलते हो, गोंद में जो नीला कलर होता है उसमें भी ये मिलाया जाता है, जिसके कारण हल्का और नीले कलर का होता है गम, देखे होगे तो, है ना। तो कुछ गम देखे होगे नीले कलर का होता है, उसमें कॉपर सल्फेट ही मिलाया जाता है जिसके कारण से ब्लू कलर का दिखता है। बोलो सर। CaSO4 1H2O प्लस वन होल हाफ एच टू ओ के नीचे जो लिखे थे ना P.O.T. पी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा ठीक। और ओके सर, और कोई दिक्कत बेटा? नो सर। क्या बेटा? क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाइड्रोस्कोपी सर। हाइड्रो क्या बोले बेटा? हेलो सर। बोलो। आवाज लैग हो रहा है। आवाज लैग हो रही तो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क गड़बड़ होगा बेटा, है ना। यहाँ तो ठीक है अभी नेटवर्क, ये सब ठीक है वहाँ पे। अब ठीक है सर। बोलो, अब आवाज आ रही है क्लियर आपकी? अब पूछना हो किसी को? पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कैसा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? पोलर 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 मॉलिक्यूल। पोलर वर्ड यूज कर रहे हो बेटा? हेलो। पोलर का मतलब, पोलर का मतलब होता है कि जैसे H2O में बेटा बांड बनाओगे, आगे आप बांड पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड चैप्टर में, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक निगेटिव पोल, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज वाला एटम हो गया, एक निगेटिव चार्ज वाला, इसको पॉजिटिव पोल, इसको निगेटिव पोल बोलते हैं।